सियासत में सीसीसी पर सियासी घमासान मचा हुआ है, जिससे सीसीसी के मुद्दे पर कभी नीतीश कुमार विरोधियों पर निशाना साध हमला बोलते थे, उसे सीसीसी से दो सीसी को आधार बनाकर तेजस्वी यादव बिहार के एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, जिस पर सियासी हलचल तेज है। ट्रिपल सी पर बिहार में सियासी घमासान, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव के पहले ही ट्रिपल सी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कल तक जिस ट्रिपल सी को लेकर एनडीए के नेता महागठबंधन, खासकर आरजेडी के शासनकाल की दुहाई देकर हमला बोलते थे, आज उसी ट्रिपल सी में से दो सी यानी क्राइम और करप्शन का हवाला देकर विपक्ष नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है। कौन सा ऐसा जिला ना हो जहां हत्या, लूट, मर्डर, रेप नहीं हो रहा हो। सिर्फ हत्या ही नहीं हो रही, पूल गिर गया, दो पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। लोकसभा चुनाव के दौरान क्राइम और करप्शन का मुद्दा एनडीए नेताओं के लिए सबसे अहम था, जिसे लेकर विपक्षी आरजेडी और महागठबंधन पर हमले किए जाते थे। पर उसी डबल सी को लेकर आज तेजस्वी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि एनडीए के नेता तेजस्वी के आरोपों को गलत बताते हुए आरजेडी के शासनकाल का हवाला देकर पलटवार कर रहे हैं। जनता उनके भर्म जाल में पड़ी नहीं, जनता उनको सबक सिखा दी, जनता जान गई और जनता ने जनादेश हमारे एनडीए नेता के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चेहरा पर जनता ने वोट दिया। क्राइम और करप्शन पे जवाब बोलते हैं ना, या आपके परिवार से कोई बोलता है तो ऐसा ही लगता है जैसे लोमड़ी कह रही हो कि मक्कारी मत करो। करप्शन को लेकर के आप सवाल खड़ा करना तो करने के लिए विपक्ष के लोग है करेंगे, लेकिन खुद ही जो लोग सर से पांव तक करप्शन में डूबे हुए हैं, अब उनकी बात का क्या मतलब है। सियासत में एक दूसरे पर हमला बगैर मुद्दे नहीं किए जाते, पर फिलहाल दो मुद्दे, बिहार में बढ़ते अपराध और नीट के मामले पर एनडीए बैकफुट पर है, और तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन का मिजाज आक्रामक है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में होने वाले अगले साल के विधानसभा चुनाव का मुद्दा अभी से ही गर्माने लगा है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और एमएलसी चुनाव से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रामबलि चंद्रवंशी की खाली सीट पर चुनाव है। भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू से उम्मीदवार इस सीट के लिए होंगे। पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा 2 जुलाई को अपना नॉमिनेशन करेंगे, एमएलसी चुनाव के लिए ये अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। तो 2 जुलाई की तारीख होगी जब भगवान सिंह कुशवाहा अपना नॉमिनेशन एमएलसी चुनाव के लिए दाखिल करेंगे। एमएलसी सीट पर आरएलएम की दावेदारी नजर आ रही है। माधव आनंद ने तावड़े की पोस्ट का हवाला दिया है, एक लोकसभा एक एमएलसी सीट आरएलएम को मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा से विनोद तावड़े की मुलाकात हुई थी, दिल्ली में कुशवाहा के आवास पर यह मुलाकात हुई थी। एमएलसी की खाली सीट आरएलएम के खाते में जाएगी, ये कहा जा रहा है। माधव आनंद ने जो पोस्ट किया है, एनडीए में सीट बंटवारे के बाद मुलाकात हुई थी। बिहार में बढ़ाई गई आरक्षण की सीमा को रद्द किए जाने के बाद आरजेडी बीजेपी पर हमलावर है। आरजेडी के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि ये लोग परिवार से बाहर आरक्षण क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने यादव समाज के दूसरे लोगों को भी मौका देने की मांग की है। उन्होंने संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने को गलत करार दिया। धिक्कार है इसे संवैधानिक पद पर बैठे मानसिकता को, जो माननीय न्यायालय के निर्णय पर उंगली उठाता है। अरे खुला है, आपको जाइए और अपील करिए, और जगह जाइए, कौन रोका है। लेकिन माननीय न्यायालय संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाने वाला आदमी संविधान विरोधी है, और जो संविधान विरोधी है वो इस राष्ट्र का हितैषी कभी नहीं हो सकता।
वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में जब आरजेडी की सरकार थी तब लोग बिहार से पलायन कर रहे थे। लोग बिहार छोड़कर गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में काम के लिए जाते थे। अपराध के कारण लोग बिहार में रहना नहीं चाहते थे क्योंकि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया था। जब से नीतीश की सरकार बनी है बिहार में ही लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। सरकार बिहार में छोड़कर चले गए थे, बिहार में रहना नहीं चाहते थे, बिहार का भोग बंद हो गया था, बिहार में कानून का राज खत्म हो गया था, बिहार से पलायन कर रहे थे, बिहार में स्टेट बंद हो गई है। जब से सरकार हमारी बंद है बिहार में, तब से बिहार में जमान बहुत जाना बंद कर दिए हैं। सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में बिहार में वायु बहुत ही जाएगा। गया से बड़ी खबर है जहां रिमांड होम में कैदी ने खुदकुशी कर ली है, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। बंगला स्थान का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है, मारपीट और गोलीबारी के आरोप में ये बंद था। रिमांड होम में 5 महीने से आरोपी बंद था जिसने खुदकुशी कर ली है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। तो बता दें कि 5 महीने से ये रिमांड होम में बंद था, मारपीट गोलीबारी के इसके ऊपर आरोप थे। लखीसराय से बड़ी खबर है जहां हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। अपराध की योजना बनाते ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से एक पिस्टल, 20 कारतूस, 1 बाइक जब्त किया गया है। विद्यापीठ चौक के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। पिपरिया के रहने वाले सभी अपराधी बताए जा रहे हैं। नगर थाना पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। तो विद्यापीठ चौक के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। पिपरिया के रहने वाले सभी अपराधी बताए जा रहे हैं। नगर थाना पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। कारीगरों और पारंपरिक बुनकरों से छोटे पैमाने के विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए जियोमार्ट ने बड़ा कदम उठाया है। जियोमार्ट ने झारखंड के सरकारी एम्पोरियम और झारक्राफ्ट के साथ हाथ मिला लिया है। इस कदम से गुमला, सरायकेला और पलामू जैसे शहरों और कस्बों के कारीगरों को अब जियोमार्ट मार्केट प्लेस में जगह मिलेगी, जिससे कारीगर देश भर के ग्राहकों तक पहुंचने के लिए सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। बता दें कि 2022 में अपनी स्थापना के बाद से जियोमार्ट ने देश भर में 20,000 से ज्यादा कारीगरों और बुनकरों को सशक्त बनाया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी गंगा तट पर गंगा आरती में भी शामिल हुई। उन्होंने वाराणसी आने और गंगा आरती में शामिल होने को अपना सौभाग्य बताया। नीता अंबानी ने कहा कि यहां आने पर मन को शांति मिलती है और यहां आकर काफी अच्छा लग रहा है। तो देखिए, नीता अंबानी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं, गंगा आरती में भी वो शामिल हुई हैं और वाराणसी में पहुंची, जिसकी तस्वीर निकल करके सामने आई है। पूजा अर्चना वो कर रही हैं। नीता अंबानी ने कहा कि यहां आने पर मन को शांति मिलती है और यहां आकर काफी उन्हें अच्छा भी लगता है। मैं 10 साल पहले आई थी और अभी यहां मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां गंगा आरती के टाइम आई हूं और इतना अच्छा लग रहा है, इतना